हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी व्लॉग की शुरुआत मुझे ही करनी पड़ रही है क्योंकि साहब लेट उठे हैं, तो अभी वो फ्रेश हो रहा है, उसके बाद वो नहाएगा, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो गाइज़, अभी मैं बस उसका नाश्ता ही प्रिपेयर कर दिया है। नाश्ता मैंने आज मैंने उसके लिए आलू का पराठा बनाया है, और अभी बस उसको रेडी करूँगी। अभी नहा के आएगा, उसके पापा नहला रहे हैं उसको, नहा के आएगा, उसको रेडी करूँगी, फिर वो स्कूल जाएगा, नाश्ता करेगा, स्कूल जाएगा। जब वो रेडी हो जाएगा तब आपसे उसकी बात कराती हो। एक आज मैं उठ चुका हूँ, अभी मैं नहा भी चुका हूँ, और अभी पापा खाना बना रही है, उसके बाद मैं जाऊँगा स्कूल। अच्छा, रिकॉर्ड भर दो। क्यों? कल मुझे फीवर नहीं था। फीवर था तुझे? इट्स इम्पोर्टेंट। यस। ओके। अरे सारी बुक्स क्यों रख रहा है यार? डिजाइन थिंकिंग नहीं पढ़ाएंगे वो अभी? दिस इज योर रफ नोटबुक, निकालो उसको। दक्ष निकालो उसको, अभी जा रहे हैं स्कूल। बेटा मुझे डायरी नहीं मिली आपकी, आपके बैग में। हाँ? डायरी नहीं मिली। डायरी? आई थिंक स्कूल में भूल गए आप। नहीं तो, कल तो मैं स्कूल भी नहीं गया। परसों की बात है, परसों से डायरी मुझे दिख नहीं रही बैग में। आज जाके देख के आना, ठीक है? रफ नोटबुक निकाल ले बेटा। बाबू डिजाइन थिंकिंग भी निकाल दो, वो नहीं पढ़ाएंगे मैम, ओनली रिवीजन होगा आज भी। आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। तो आज ही तो करना है। हाँ। डायरी मिली? कहाँ है? पता नहीं। स्कूल में होगी, लेके आना आज, ठीक है? स्कूल में कहाँ थी? दक्ष, जा रहे हो क्या? रुको, बैग तो लेके। बैग कौन लेके जाएगा? पकड़ो बैग अपना। स्कूल जा रहा हुआ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक तो जा बेटा। सो हे गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9, और दक्ष स्कूल जा ही चुका है, उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। अभी बस मैं अपना डेली का जो क्लीनिंग होती है वो कर लेती हूँ, और अभी मतलब मेरा घर का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी दक्ष के पापा के जाने के बाद, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो फिर वही भागम भाग, तो ऐसे ही ना पैरों में ना ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है फिर। तो अभी बस मैं बैठी हूँ, अभी बस उठ के मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने कंबलों की तह करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं चद्दर को अपनी अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछाऊँगी, और क्योंकि सबसे पहले मैं यही सब काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। अभी मैंने पिलो विलो नीचे रख दिए हैं, और बस अभी मैं अपनी बेडशीट सही करके उसको अच्छे से बिछा के फिर अपने पिलो विलो सेट करके उसके बाद झाड़ू मारूंगी। झाड़ू क्या, उससे पहले दूसरा रूम सेट करूंगी, उसके बाद ही झाड़ू लगेगी, और फिर अपना जो भी है काम वो मैं कर लूंगी। मैंने अच्छे से चादर बिछा दी, और मैंने चादर के चारों तरफ ना गांठ लगा के रखी है, जिससे ये खिसके ना। ये ट्रिक मैंने हॉस्पिटल में देखी थी, और मोस्टली होटलों में भी ऐसा ही करते हैं, और इससे ना हमारी चादर बार बार नहीं खींचती और अच्छे से मतलब सेट रहती है। तो ये गाइस, हमारा बेड लग चुका है, अभी मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, वहाँ में सोफे के कवर वगैरह ठीक करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगेगी। तो बेड सेट करने के बाद मैं अपने दूसरे रूम में आ गई हूँ, और सच में यार दक्ष इतना गंदा कर देता है, रात को थोड़ी देर टीवी देखता है, मतलब पूछो मत, हर जगह सामान होता है। बट अभी मैं बस ये चादर वादर अच्छे से झाड़ के दीवान की और इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने सोफे कवर को सेट करूँगी। और वही है, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ गंदा तो होता है। चलो अभी मैं अपने सोफे कवर को भी सेट कर लेती हूँ। दीवान सेट करने के बाद अभी बस मैं अपने जो सोफ़ा कवर है उनको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये डेली ही करने पड़ते हैं, और मॉर्निंग में तो ज़रूर करने होते हैं, क्योंकि वही है, शाम को दक्ष इधर बैठ के टीवी वगैरह देखता है, एकदम गंदा कर देता है। बस मैं वही सेट कर रही हूँ अभी। और जो ये ट्रैक्टर आपको दिख रहा है ना, मैंने पहले ही बताया था, मुझे ये बहुत पसंद है, इसने ये बागपत से लिया था। बागपत जब हम घर जाते हैं ना, हमारे घर के
रास्ते में पड़ता है और मुझे बहुत पसंद है। बस अभी मैं अपनी कालीन भी अच्छे से झाड़ देती हूँ बाहर। सो हे गाइस, मैं बाहर की धुलाई करके अभी मेरा अंदर का तो सारा काम ख़त्म हो चुका है। अपने प्यारे पौधों को मैं पानी दे देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे ना कई दिन हो गए थे इनको पानी वानी दिए। अभी मैं अच्छे से इसको पानी वानी दे के बाहर को धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने दे दिया है पानी, और ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, किसी दिन फुर्सत पे दिखाऊंगी आपको, ये सब मैंने अपने हाथों से DIY ही बनाया है। तो चलो अभी मैं आपको अच्छे से धुलाई कर देती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो दोस्तों, मेरा पूरा घर अभी सेट हो चुका है, मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अभी बस किचन का बाकी है, किचन का बाकी ये है बस, मैं अब नहा के जोत जला के नाश्ता करूँगी। गाइस देखो, ये दक्ष आपका यूट्यूबर, देखो देखो इसको, देखो इसका फेस, ये स्कूल से आया, इसका फेस देखो कितना गंदा हो रखा है, देखो ये ना, देखो इसका फेस, इस क्यूट चार्मिंग लड़के का फेस अभी देखो, सीधा खड़े होके दिखा, इसके कपड़ों की हालत देखो, देखो इसको। आज पता क्या बोल रहा था मुझे स्कूटी पे, मेरी बहुत फूटी किस्मत है मम्मा। मैंने बोला क्यों, आज मेरे साथ मतलब 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए, अब ये मुझे बताएगा क्या हुए, बताओ बेटा। दिखाऊंगा। दिखाएगा, ठीक है, तो ये दिखाएगा भी और उस टाइम ये बताएगा भी। तो चलो अभी इसको कपड़े चेंज करा के खाना वाना दे देते हैं, उसके बाद आप। और दक्ष की पावर देखो आप, ये भरा सिलेंडर मेरे से नहीं उठ रहा, और ये मेरा पावरफुल बॉय इसको उठा के पीछे रख रहा है, बोल रहा है मम्मा मैं रख दूंगा। मैं इसको बोल रही हूँ बेटा चोट लग जाएगी, बट ये सुन नहीं रहा मेरी। दक्ष केयरफुल। चलो गाइज मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, देखो इसको स्ट्रगल देखो इसका। गाइज शाम के बज चुके हैं 5, और आज मॉर्निंग में ना मैंने मक्खन निकाला था, और मक्खन निकाला था तो मुझे आज घी निकालना है उसका। तो मुझे पता है मोस्टली सभी को घी निकालना आता होगा, बट मेरी एज की जो लड़कियां है और उनको घी निकालना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले गैस फूंकती रहती थी कि ये कब क्लीन होगा कब क्लीन होगा। मेरी मम्मी ने मुझे एक ट्रिक बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छी लगेगी तो आप भी वही फॉलो करके घी निकालना, देखना आपका घी बिल्कुल पानी की तरह साफ होगा। और उस घी को अगर आप 2 साल कितना भी टाइम रखो वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। मुझे पता है आप सब परफेक्ट हो हर चीज़ में, बट मेरी ट्रिक फॉलो करके देखना, आपका घी बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होगा। तो गाइस चलो मैं अभी दिखाती हूँ आपको घी कैसे बनाते हैं, ये 2 पार्ट में बनेगा। आज मैं घी मेल्ट करके रख दूँगी, कल फिर वो दोबारा हम वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वो चलो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आपसे बात। सो गाइस, मैंने आपको बताया था मैंने मॉर्निंग में मक्खन निकाला था, तो मेरा मक्खन ये है। अभी मैं इसको ऐसे ही इसी बर्तन में गैस पे रख दूंगी, ठीक है। अभी गैस ऑन कर लेते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। अभी ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और जितने बड़े बर्तन में आप मतलब निकालोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब ये मेल्ट होता है तो उसमें ऐसे बाहर को भी आता है, तो बड़े बर्तन में अगर आप करोगे तो वो बाहर को नहीं आएगा। अभी इसको आप ऐसे ही गैस चला के रख दो, ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बोल रही थी कि मतलब मैं इसको 2 पार्ट में करूँगी, क्यों करूँगी, वैसे ये एक दिन में भी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, मैं इसलिए करूँगी कि आज अभी शाम के 5 बजे है, तो अभी मैं इसको मेल्ट करके जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके इसको फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। आज फिर मैं नहीं निकालूँगी, ठीक है, आज मुझे और भी काम है, तो मैं इसको कल फिर आपको इसका सेकंड जो प्रोसेस होता है वो करके दिखाऊँगी। अगर मैं मॉर्निंग में इसको मेल्ट करके रख देती तो आज मैं मतलब दोपहर तक इसको निकाल के आपको दिखा देती, बट अभी मैं इसको फर्स्ट इसकी जो प्रोसेस है वो करके फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस दिखाऊंगी। तो गाइस देखो ये कितना अच्छे से मेल्ट हो गया, अभी भी मतलब है इसमें थोड़ा थोड़ा सा, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम
नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, अब इसको और अच्छे से मेल्ट करने देते हैं। मतलब इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। देखो जैसे ये गांठ है, इस तरह की कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। इसको बीच बीच में ऐसे देखो गाइस, मैंने कितना बड़ा बर्तन लिया था, उसमें भी ये देखो दूध की तरह उबल के ऊपर तक आ रहा है। तो हम गैस स्लिम कर देते हैं, और वैसे ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है अभी। और अभी मैं देख लेती हूँ इसमें कोई गांठ वांठ तो नहीं रह गई। वैसे नहीं है गांठ वांठ इसमें, और इसीलिए मैं बोल रही थी आपको, मतलब बड़ा बर्तन लेना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक मेरी गैस बंद हो गई है, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये हमने अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है। अब हमारा ना ये मेल्ट हो चुका है अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। गैस को स्लिम ही रहने देते हैं, और हम अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जी हाँ, पानी ऐड करेंगे हम इसमें। और ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है गैस बंद करने के बाद, ठीक है। आप इसमें ना ये जो बाउल है, मैंने ये दो बड़े बड़े बाउल पानी के ऐड करूँगी मैं इसमें। तो गाइज मैंने एक बाउल पहले डाल दिया था, एक बाउल अभी डाल रही हूँ पानी का भर के। आप भी बोल रहे होंगे मतलब घी में पानी, ये पागल तो नहीं हो गई? पर नहीं दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे जो मैं कर रही हूँ, तो आपका घी बिल्कुल मोती की तरह निकलेगा। अभी इसको ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो हे गाइज, आज का दिन हमारा कुछ ऐसा ही बीता है। और जो मैं घी की जो वीडियो मैंने बनाई थी, घी मतलब देसी घी निकालने की, उसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। और वीडियो देखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको घी बनाने की ये ट्रिक अगर पसंद आई, तो कमेंट करके मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बस दक्ष, क्या टाइम हुआ है दक्ष? हाँ 8। हाँ तो बस अभी दक्ष को थोड़ा पढ़ाऊँगी मैं। खाना अभी हमने नहीं खाया, आज थोड़ा लेट हो गया। अभी खाना वाना खा के फिर मैं दक्ष को पढ़ाऊँगी, उसके बाद दक्ष अपना जो भी है करेगा और फिर सो जाएगा। कल इसका हॉलीडे है, सैटरडे है, तो सेकंड सैटरडे की इनकी हॉलीडे रहती है। और संडे की? हाँ संडे की तो सबकी रहती है, बट वो है ना कल सेकंड सैटरडे है, तो दक्ष की कल हॉलीडे है। और आज दक्ष फुलोन मस्ती में है, कल भी, कल भी और परसों भी, और परले दिन एग्जाम है, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।